जय हिंद एवरीवन भाई, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप सबको पता है कि कल से हमको सीआरपीएफ की आंसर की देखने को मिली, आंसर की आई। काफी सारे से विद्यार्थियों ने आंसर की को डाउनलोड कर लिया, देख लिया, लेकिन बहुत सारा सा अगर मैं बात करूँ 80% विद्यार्थी परेशान है कि उसको उसकी आंसर की देखने को नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो आंसर की है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 22 से लेकर 24 फरवरी वाले विद्यार्थी ही देख पा रहे थे। जी हाँ, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 22 से लेकर 24 फरवरी वाले विद्यार्थी को ही अपनी आंसर की देखने को मिल रही थी। 24 फरवरी के बाद जिनके भी पेपर हुए वो अपनी आंसर की देख ही नहीं पा रहे थे। तो किया क्या, सीआरपीएफ ने उसको अभी हटा दिया है। अब अगर आप अपने लॉगिन करने जा रहे हो कि अपनी आईडी डालकर पासवर्ड डालकर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लॉगिन इज नॉट अलाउड, समथिंग ऐसा दिखाई दे रहा होगा, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कब तक के लिए रहेगा, तो आप वेट कर लो, 1 से 2 दिन का वेट कर लो। होप्स हो कि आज ही कुछ ही देर में ये सही हो जाए, और होप्स हो कि कल तक सही हो जाए, क्योंकि सीआरपीएफ की साइट जो है वो प्रॉपर कभी भी नहीं चली, आपको पता है पिछले काफी टाइम से, है ना। तो वेट कर लेते हैं 1 से 2 दिन तक, जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं डेफिनेटली आपके पास सबसे पहले अपडेट लेकर जुड़ जाऊंगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी आंसर की नहीं आई सर, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, आंसर की आ जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और जैसी आंसर की आएगी तो आंसर की आप सिस्टम पर नहीं, अपने मोबाइल पर भी देख पाओगे यार, मोबाइल पर इजीली चेक कर पाओगे। तो ये भी परेशान मत हो कि मोबाइल पे कैसे देखूंगा, जब वो ऑफिशियल साइट पर प्रॉपर वे में अपलोड हो जाएगी तो इजीली आप मोबाइल पर उसको देख पाओगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अलग से एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में मुझे बताना कि मोबाइल पर कैसे चेक करनी है, मैं डेडिकेटेडली मोबाइल वालों के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहो डिफेंस अड्डा 24/7 के साथ। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट में आकर इजीली पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच पल्टन, परेशान नहीं होना है, बस लगे रहो टाइपिंग के लिए, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, जय हिंद।